थाना बाह से बड़ी खबर। थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम होलीपुरा खेत में गाय भगाने पर दबंगों ने बोला हमला, लाठी डंडों एवं कुल्हाड़ी से किया प्रहार। हमले में ग्राम होलीपुरा के रविवार पुत्र राजेंद्र, संजय पुत्र राजेंद्र, राजेंद्र पुत्र सरनाम सिंह गंभीर रूप से हुए घायल। दबंग गांव की ही व्यक्ति नरेंद्र रमाकांत तिलक सिंह एवं हरिशंकर किया था हमला। सूचना पर पहुंची पुलिस, पुलिस ने घायलों को बाह CSC में भर्ती कराया। राजेंद्र पुत्र सरनाम सिंह की बाह CSC डॉक्टरों ने हालत गंभीर आगरा किया। रेफर दबंगों खिलाफ थाना में दी तहरीर, पुलिस ने कार्यवाही का दिया आश्वासन। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर, ब्यूरो चीफ नीरज यादव की रिपोर्ट, साथ ही नीरज धनगर के साथ। मेरे छोटे भाई ने उनसे कहा था कि ये भैया तो उसका गला पकड़ लिया, बंदा भी उगाया था। छोटे भाई का नाम है राहुल। राहुल, हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल आए, फिर उनने एकदम मारे ऊपर बोल दिया धावा। किसने बोल दिया धावा? वो मतलब दूसरी पार्टी, जैसे क्या नाम है, रमाकांत है और हरी सिंह है, नरेंद्र। किस गांव का मामला है ये? होलीपुरा मामला है सर। आपने इस बात की सूचना पुलिस को दी? डायरेक्ट सर हम वहीं पर थाने में गए थे। थाने में गए थे आप? हाँ, वहाँ से उन्होंने बोला था कि मेडिकल करा दो, इमरजेंसी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय। संजय जी, क्या मामला है? मामला ये है सर, मेरे खेत में नरेंद्र की गाय आ गई थी, तो मेरा छोटा भाई वहाँ मौके पर मौजूद था, उसने मना किया, तो नरेंद्र उससे उल्टा सीधा बोला और बोले ऐसे ही चरेंगी गाय, अपनी बार लगाओ, और उससे टेंट गला वाला पकड़ा और हत्या युक्ति की डंडे भी दिए उसने। उसने हमें घर पे सूचना दी फ़ोन करके, तो हम वहाँ पे पहुँचे, तो हमने उससे पूछा भाई क्या बात है, क्यों इसको मारा? वो बोल रहा मैं गाय आ गई थी, ये गाली दे रहा था, मैंने गाली दे रहा था तो मारा कि उन्होंने मारा। फिर हम गाय निकलवा के, दो भाई मेरे गाय निकालते रह गए, मैं, मेरे पापा और मेरे भैया तीनों मार रहे थे। इतने में विपक्ष के दो लोग और आ गए। कौन थे विपक्ष के लोग? रमाकांत तिलक सिंह। फिर क्या हुआ? फिर क्या, और नरेंद्र हमारे साथ था, तो फिर इन तीनों ने फिर हम पे हमला कर दिया। किससे हमला कर दिया? कुल्हाड़ी थी। अच्छा, आपने क्या इस बात की सूचना पुलिस को दी? हाँ, हम अभी थाने से आ रहे हैं। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर।